गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्टडी विद यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अपन ने जो मेगा क्लासेस स्टार्ट की थी अपन ने जो मेगा क्लासेस स्टार्ट की थी बायोलॉजी के रिवीजन के लिए, कंप्लीट बायोलॉजी के रिवीजन के लिए जो मेगा क्लासेस स्टार्ट की थी 20, उसकी आज अपन तीसरी क्लास लेके आए हैं। कौन सी क्लास लेके आए हैं? तीसरी क्लास लेके आए हैं न्यू चैप्टर के साथ। कौन सा चैप्टर है आज का? आज का न्यू चैप्टर है खनिज पोषण। कौन सा है? खनिज पोषण वाला न्यू चैप्टर है खनिज पोषण। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास लेके आए हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आपको क्लास अगर अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है आरयूएचएस एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी करवाने में। ठीक है दोस्तों, किसके लिए? आरयूएचएस और एम्स नर्सिंग और पैरामेडिकल आदि के लिए ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है दोस्तों। तो इसलिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर ऑन कर ले, ताकि जब भी कोई भी इंफॉर्मेशन आए क्लास से रिलेटेड या कोई भी नोटिफिकेशन से रिलेटेड तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, और क्लास को अधिक से अधिक शेयर करना ताकि सभी के पास क्लास पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ दोस्तों आपको, कि कुछ कमेंट्स पिछली दो क्लासों में कुछ कमेंट्स दिखाई दे रहे हैं कि सर आप नीट के क्वेश्चंस करवा रहे हो, नीट के क्वेश्चंस करवा रहे हो। तो मैं आपको बता दूं कि इनमें मिक्स क्वेश्चंस है, कुछ क्वेश्चंस इसमें नीट के हैं तो कुछ क्वेश्चंस मेरे खुद के बनाए हुए हैं और कुछ क्वेश्चन किसी और मटेरियल से उठाए हुए हैं। तो ये वो क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट जो आरयूएचएस एंट्रेंस एग्जाम और एम्स नर्सिंग में आने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स ये बोल रहे हैं कि सारे क्वेश्चंस नीट के हैं, तो सारे क्वेश्चंस नीट के नहीं हैं। ये क्वेश्चंस एम्स और आरयूएचएस नर्सिंग के लिए इम्पोर्टेंट है। वो जो मैं मुझे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लगता है और जो आने वाले क्वेश्चंस है आरयूएचएस एग्जाम में, वही क्वेश्चंस में करवा रहा हूँ। तो इन्हीं क्वेश्चंस में आएंगे दोस्तों, तो ध्यान रखना। और दूसरा कमेंट्स आ रहा है इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, तो उनको मैं बताना चाहता हूँ इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को कि वो देव सर जो क्लास ले रहे हैं, देव सर जो क्लास ले रहे हैं वो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में ले रहे हैं, तो उनके लिए देव सर क्लास लेंगे। जो भी इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि वो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए देव सर इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्लास ले रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आज की बताना था। तो चलते हैं आज की क्लास के लिए। आपके लिए सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने है, कौन सा चैप्टर आज का? खनिज पोषण। तो आई होप आपने नोट्स पढ़ लिए होंगे। ठीक है दोस्तों, तो कल की क्लास में मैंने बताया था कि एक दिन छोड़ के एक दिन क्लास होगी, लेकिन अपनी रेगुलर क्लास होने वाली है 20। 20 क्लास अपने रेगुलर होने वाली है, क्योंकि अपने पास टाइम बहुत कम है। लास्ट में अपन मैराथन क्लासेस चलाने वाले हैं, लास्ट में अपन क्या मैराथन क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, इसलिए अपने पास टाइम कम है, इसलिए अपन कंटिन्यू क्लासे रखेंगे। 20 क्लास अपनी कंटिन्यू होने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो आज की तीसरी नंबर की क्लास है, तो सभी हो जाओ तैयार साथियों। किसके लिए? आरयूएचएस एंट्रेंस एग्जाम और एम्स नर्सिंग एग्जाम के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सभी एक बार क्लास को जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर लो चैनल को। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, कौन से समूह के पोषक तत्व पादप के लिए आवश्यक नहीं है? पहला क्वेश्चन है, कौन से समूह के पोषक तत्व पादप के लिए आवश्यक नहीं है? कौन से नहीं है दोस्तों? सभी इसका राइट आंसर कमेंट करो जल्दी से। पोषक तत्व जो आवश्यक तत्व और अनावश्यक तत्व कौन कौन से है वो बताना है। जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट करो दोस्तों, कौन से तत्व पौधे के लिए आवश्यक नहीं है। तो पहला ऑप्शन है, देखो दोस्तों इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो दोस्तों पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम तो पौधे के लिए बहुत ही आवश्यक है, तो ये तो नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, FeZnMn और बोरोन ये भी पौधे के लिए आवश्यक होते हैं, तो ये नहीं आने वाले हैं। ये फिर मैग्नीशियम आ गया, Fe और मोलिब्डेनम आ गया, तो ये भी आवश्यक है। PbI और Na ये आवश्यक नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, पौधे के लिए क्या नहीं है? आवश्यक नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों? थर्ड। क्या जाएगा इसका राइट आंसर? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, हाइड्रोपोनिक्स में पादपों को उगाया जाता है
जो हाइड्रोपोनिक्स कृषि की थी, किस वैज्ञानिक ने की थी, वो हाइड्रोपोनिक्स कृषि क्या होती है वो बताना है। किस में उगाया जाता है उसको? ग्रीन हाउस गैस में उगाया जाता है, जल संतृप्त बालू में उगाया जाता है, या पोषक घोल में उगाया जाता है, या शुद्ध अशुद्ध जल में उगाया जाता है? किस में उगाया जाता है दोस्तों? तो सभी इसका राइट आंसर कमेंट करो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का सभी जल्दी से राइट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों किसमें? पोषक घोल में उगाया जाता है। किसमें उगाया जाता है? पोषक घोल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्णहरित या क्लोरोफिल निर्माण के लिए पादप को आवश्यकता होती है। जो पर्णहरित या क्लोरोफिल निर्माण के लिए पादप को किसकी आवश्यकता होती है वो बताना है। एफी कैल्शियम तथा प्रकाश की, एफईएमजी तथा प्रकाश की, कैल्शियम पोटेशियम तथा प्रकाश की, एमएन तथा सीयू की, किसकी आवश्यकता है होती है वो बताना है दोस्तों। तो सभी इसका जल्दी से राइट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, इनमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ दोस्तों। तो क्या आएगा इसका राइट आंसर? किसका आएगा? पर्णहरित के लिए एफईएमजी तथा प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर होगा क्या? सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, चकुंदर में ब्राउन हार्ट रोग, भूरा विगलन रोग बीमारी कारण किस पोषक तत्व की कमी से होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चकुंदर में जो ब्राउन हार्ट रोग होता है वो किसकी कमी से होता है वो बताना है आपको। बोरोन, फास्फोरस, मैग्नीशियम या एमो मोलिब्डेनम, किसकी कमी से होता है दोस्तों? किसकी कमी से होता है चकुंदर में ब्राउन हार्ट रोग? किसकी कमी से होता है? जल्दी से राइट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। क्या आएगा इसका राइट आंसर? बोरोन। किसकी कमी से होता है? बोरोन की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, नींबू में सिरसा रबी रोग या डाईबैक जिसे बोलते हैं किस पोषक तत्व की कमी के परिणाम स्वरूप होता है? ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर सभी कमेंट करो, मोलिब्डेनम, बोरोन, कॉपर या जेडन। क्या आएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों क्या? कॉपर। सीधे सीधे क्वेश्चन चाहिए तो सभी किसकी कमी से होता है? कॉपर की कमी से होता है। इसमें समझाने के लिए कोई खास बात नहीं है, आपको याद रखना है किस तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है। ये चैप्टर मैंने आपको नोट्स में पढ़ाया था तो वो नोट्स अच्छे से याद रखना। मैंने सारे तत्वों की कमी से कौन से रोग होते हैं वो बताए थे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, मोलिब्डेनम की कमी से पादप में किस प्रकार का रोग प्रदर्शित होता है? मोलिब्डेनम की कमी से पादप में किस प्रकार का रोग प्रदर्शित होता है? फूल गोभी का विहिप्टेल रोग, लघुपर्णी रोग, अनाज में उर्द्वार रोग या ब्राउन हार्ट रोग। किसकी कमी से कौन सा रोग होता है वो बताना है। किसकी कमी से? मोलिब्डेनम, एमओ की कमी से। किसमें क्या होता है इसका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या? फर्स्ट, फूल गोभी का विहिप्टेल रोग होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन से तत्व जीवधारी तत्वों के रूप में शामिल किए जाते हैं? कौन से तत्व इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कौन से तत्व जीवधारी तत्वों के रूप में शामिल किए जाते हैं वो बताना है। तो ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जल्दी से सभी राइट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। कौन से तत्व है जो जीवधारी तत्वों के रूप में शामिल किए जाते हैं? सभी इसका राइट आंसर कमेंट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है आरयूएस इंटरेस्ट और एम्स के लिए, एम्स और आरयूएस के लिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या? फर्स्ट। क्या आएगा इसका राइट आंसर? फर्स्ट, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन और सल्फर, ये क्या होते हैं? जीवद्रवी तत्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट है, कौन से तत्व को महापोषक तत्व या मैक्रोन्यूट्रिएंट की श्रेणी में नहीं मानते? इंपोर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखो, क्या बोला है? नहीं मानते वो बताना है। ध्यान रखो दोस्तों, यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स गलती करते हैं, जल्दीबाजी में ये देख लेते हैं, नहीं देख पाते, और जल्दीबाजी में देख लेते हैं कि महापोषक तत्व कौन सा है और डायरेक्ट टिक कर देते हैं आंसर। क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा तत्व को महापोषक तत्व या मैक्रोन्यूट्रिएंट की श्रेणी में नहीं मानते हैं, यानी माइक्रोन्यूट्रिएंट बताना आपको अपन को। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर कमेंट करो सभी दोस्त। क्या है इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 8 का सभी राइट आंसर कमेंट करो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा क्या? थर्ड। क्या है इसका राइट आंसर? थर्ड, एमएन।
नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो बच्चों, अगर आपको इंग्लिश बोलने में हिचकिचाहट होती है, अपने इंग्लिश इंटरव्यू की तैयारी करनी है और फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना चाहते हो तो आप सबके लिए एक गुड न्यूज। डाउटनेट ऐप लाया है आप सबके लिए इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, जहां इंग्लिश के टॉप टीचर्स आपको एकदम बेसिक से इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, वो भी हिंदी भाषा में। यानी अब आप हमें से हर बच्चा अंग्रेजी बोल सकता है और साथ ही इस कोर्स के अंत में आप सबको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। तो अभी जाइए और डाउटनेट ऐप पर यह कोर्स खरीदिए और अपने अंग्रेजी बोलने के सपने को पूरा कीजिए। पूरे भारत में सबसे बढ़िया दाम और इतना टॉप क्वालिटी का कोर्स सिर्फ डाउटनेट पर मिलेगा। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में। क्वेश्चन नंबर नाइन है, कौन से तत्वों को लघु पोषक तत्व या माइक्रो न्यूट्रिएंट की श्रेणी में नहीं रखा जाता है? ध्यान रखना, यहां पूछा है, वहां क्या पूछा था, कौन सा तत्व मैक्रो पूछा था, मैक्रो की श्रेणी में नहीं आता वो पूछा था, यहां पूछा है माइक्रो की श्रेणी में नहीं आता वो बताना है। तो इसका राइट आंसर कमेंट करो दोस्त, सभी इसका जल्दी से राइट आंसर कमेंट करो। क्या आएगा क्वेश्चन नंबर नाइन का? तो क्वेश्चन नंबर नाइन का राइट आंसर होगा क्या, कैल्शियम। कैल्शियम होता है। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा अमीनो अम्ल जिसके संगठन में सल्फर पाया जाता है, कौन सा अमीनो अम्ल है? यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा, रेलवे शॉर्ट ही आ गया। सिस्टीन है पहला ऑप्शन दे रखा है, मैं आपको बता देता हूँ पहला ऑप्शन दे रखा है वो क्या है, सिस्टीन है। क्या है? सिस्टीन है, पहला ऑप्शन क्या है, सिस्टीन। फिर आता है सेकेंड ऑप्शन है सिस्टाइन, मिथियोनिन और उपरोक्त सभी। किसमें सल्फर पाया जाता है वो बताना है। आपको ऑप्शन नहीं दिख रहे हो तो मैं बोल रहा हूँ, पहला ऑप्शन है सिस्टीन, सिस्टाइन, मिथियोनिन या उपरोक्त सभी। जल्दी से राइट आंसर कमेंट की दोस्त, सभी दोस्त इसका राइट आंसर कमेंट की दोस्तों। क्वेश्चन नंबर टेन का सभी राइट आंसर कमेंट करो। तो क्वेश्चन नंबर टेन का राइट आंसर होगा दोस्तों क्या, उपरोक्त सभी में पाया जाता है। क्या पाया जाता है उपरोक्त सभी में, सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर 11, किन पोषक तत्वों के समूह को फ्रेमवर्क एलिमेंट्स के रूप में पहचाना जाता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आरएचएस और एम्स नर्सिंग के लिए किन पोषक तत्वों को के समूह को फ्रेमवर्क एलिमेंट्स के रूप में पहचाना जाता है। सभी दोस्त इसका राइट आंसर कमेंट करो, सभी जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट कर दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा क्या, सेकेंड। क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ऐसे तत्व है जिनको फ्रेमवर्क एलिमेंट्स के रूप में पहचाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन सा तत्व गुणसूत्रों की संरचना के स्थायित्व के लिए अनिवार्य होता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनको याद रखना। और इनकी जो एक क्वेश्चन था आपका कि जो भी क्लास होगी इसकी पीडीएफ, तो आपको ये पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी दोस्तों। टेलीग्राम चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना, स्टडी विद देव को। तो वहां पर आपको सारे तीनों क्लास हुई, उन तीनों क्लासों की पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जल्दी से राइट आंसर कमेंट करो। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा तत्व गुणसूत्र की संरचना के स्थायित्व के लिए अनिवार्य है? ZN, CaMO, Fe, गुणसूत्रों के स्थायित्व के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर होगा क्या, कैल्शियम। इसका राइट आंसर क्या होगा, कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्द्वार रोग या लघुपत रोग किसकी कमी के कारण होता है? लघुपत रोग किसकी कमी के कारण से होता है? ZN व MO, CU व ZN, CU व बोरोन या MN व CU, किसकी कमी से होता है वो बताना आपको। सभी इसका राइट आंसर कमेंट करो। क्वेश्चन नंबर 13 का सभी राइट आंसर कमेंट कीजिए दोस्त, सभी स्टूडेंट जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट करो। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा क्या, सेकंड। कॉपर व ZN होता है वो लघुपत रोग की किसकी कमी से, इसकी कमी से क्या रोग होता है, लघुपत रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन सा तत्व पादप वृद्धि के लिए, क्या है, निम्न में से कौन सा तत्व पादप वृद्धि के लिए अपेक्षाकृत सबसे कम मात्रा में आवश्यक होता है? यानी अपेक्षाकृत सबसे कम मात्रा में आवश्यक होता है वो बताना है। जल्दी से राइट आंसर कमेंट करो क्वेश्चन नंबर 14 का। तो इसका राइट आंसर होगा क्या, ZN। क्या आएगा इसका राइट आंसर, ZN। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एम्स और आरएचएस नर्सिंग में। तो कोई भी स्टूडेंट्स जो भी वो कमेंट मार रहे हैं कि नीट के क्वेश्चंस है, तो ये मिक्स क्वेश्चंस है, नीट के नहीं है, ये मिक्स क्वेश्चंस है, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है जो थाट के बनाए हुए हैं आपके लिए। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा,
फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई श्रेणियों में कौन सा तत्व भिन्न रूप में प्रदर्शित होता है? कौन सा तत्व भिन्न रूप से प्रदर्शित होता है? ठीक है दोस्तों, तो जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट करो। क्वेश्चन नंबर 15, तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा क्या? एमजी, क्योंकि एमजी क्यों है भिन्न, इन तत्वों से तीनों तत्वों का मिलकर एक ही काम है, इसलिए ए तत्व क्या है? भिन्न है। भिन्न तत्व बताना है अपन को, तो इन तत्वों को जो तीन तत्व है इनके सिमिलर काम्स है, लगभग लगभग सिमिलर काम होते हैं, इसलिए ये क्या है? मैग्नीशियम इनसे भिन्न है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, फसल के लिए किन पोषक तत्वों को क्रांतिक तत्व कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्रांतिक तत्व कौन से होते हैं? मैंने आपको नोट्स में लिखवाया था कि क्रांतिक तत्व कौन से होते हैं। सभी जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए दोस्त, सभी स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर कमेंट करो कि कौन सा तत्व क्रांतिक तत्व है। तो कौन सा तत्व है इसका राइट आंसर होगा क्या? फर्स्ट नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जो होते हैं वो क्या होते हैं? क्रांतिक तत्व होते हैं। कौन से तत्व होते हैं? क्रांतिक तत्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोशिका में सामान्यतः मुक्तायन होता है? एक कोशिका में सामान्यतः मुक्तायन होता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट करो दोस्त। क्या आएगा इसका राइट आंसर? एक कोशिका में सामान्यतः मुक्तायन होता है, क्या आता है? पोटेशियम। क्या होगा इसका राइट आंसर? पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, लवणों का सक्रिय अवशोषण निर्भर है, लवणों का सक्रिय अवशोषण निर्भर है जल के सक्रिय अवशोषण पर, वाष्पोत्सर्जन पर, फोटो रिस्पायरेशन पर या डीफॉस्फोरिलेशन पर, किस पे होता है? जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट करो दोस्त। लवणों का सक्रिय अवशोषण निर्भर है, तो इसका राइट आंसर होगा क्या? फोर्थ। क्या आएगा इसका राइट आंसर? फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, जब क्लोरोफिल को जलाया जाता है तो क्या प्राप्त होता है? जब क्लोरोफिल को जलाया जाता है तो क्या प्राप्त होता है वो बताना है। एफी, एमजी, सीए और एमएन, क्या आएगा इसका राइट आंसर? जल्दी से कमेंट करो इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 का सभी राइट आंसर कमेंट करो दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा क्या? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल को जलाने पर क्या प्राप्त होता है? मैग्नीशियम प्राप्त होता है। लास्ट 20 नंबर क्वेश्चन है, धान का खीरा रोग तथा ऑक्सीन निर्माण से संबंधित है, कौन सा तत्व? धान का खीरा रोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, धान का खीरा रोग तथा ऑक्सीन निर्माण से संबंधित है। एफी, जेडन, आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं बता दूं, पहला ऑप्शन है एफी, दूसरा ऑप्शन है जेडन, तीसरा ऑप्शन है बोरोन, चौथा ऑप्शन है सीयू। ठीक है दोस्तों, ये चार ऑप्शन है, जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट करो। धान का कीड़ा रोग तथा ऑक्सीजन निर्माण के लिए क्या आएगा इसका राइट आंसर? ZN। क्या आएगा इसका राइट आंसर? ZN। ठीक है दोस्तों, क्या आएगा? ZN। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। सभी एक बार क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दो ताकि सभी के पास क्लास पहुंच सके और सभी को इसका फायदा मिल सके। और अभी तक जो भी स्टूडेंट्स नए स्टूडेंट जुड़े हैं तो प्लीज एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी कोई नर्सिंग और पैरामेडिकल और एमसी नर्सिंग जुड़ी हुई कोई भी इंफॉर्मेशन मिले तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना, और क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दो एक बार सभी स्टूडेंट्स क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे किस रूप में नाइट्रोजन का अवशोषण मुख्यतः करते हैं? मैंने आपको बताया था पौधे किस रूप में नाइट्रोजन का मुख्य रूप से अवशोषण करते हैं। जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट करो दोस्तों। क्या आएगा इसका राइट आंसर? नाइट्रोजन का अवशोषण मुख्यतः होता है NO3-. ठीक है दोस्तों, क्या आएगा इसका राइट आंसर? सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? पौधों में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? पौधों में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? सभी जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट करो, बहुत इजी क्वेश्चन है। कौन सा तत्व पाया जाता है सबसे अधिक? कौन सा पाया जाता है? कार्बन। क्या आएगा इसका राइट आंसर? कार्बन। क्या आएगा? कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में अनिवार्य है, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में कौन सा तत्व अनिवार्य है वो बताना है।
बोरोन, मोलिब्डेनम, कॉपर या मैग्नीशियम। मैंने आपको बताया था नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में कौन सा तत्व अनिवार्य है, मैंने आपको नोट्स में लिखवाया भी है। तो उसका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या, सेकंड। क्या आएगा इसका राइट आंसर, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, पौधों के शुष्क बाहर में मुख्य भाग किसका होता है। पौधों के शुष्क बाहर में मुख्य भाग किसका होता है वो बताना है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, गंधक, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन। किसका होता है पौधों के शुष्क बाहर में मुख्य भाग किसका होता है वो बताना है। क्या है इसका राइट आंसर, सभी इसका राइट आंसर कमेंट करो। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 इंपॉर्टेंट है ये भी एम्स और आरबीसी सेंटर्स एग्जाम के लिए। तो इसका जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट करो दोस्त। क्या आएगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या, कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन। क्या आएगा इसका राइट आंसर, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 है, जई में दूसरे दबों का लक्षण किसकी कमी के कारण होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि जई में दूसरे दबों का लक्षण किसकी कमी के कारण होता है। ज्यादातर इसमें क्वेश्चन कौन से तत्वों की कमी से कौन सा रोग होता है वही पूछा जाता है आरयूएचएस और एम्स नर्सिंग में। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट करो। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर होगा दोस्तों क्या, क्या आएगा, एमएन, थर्ड। ठीक है दोस्तों, क्या आएगा, एमएन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, वैसे तो 26 है लेकिन अपन ने वन से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 26 है कौन सा तत्व नाइट्रोजन स्थिरीकरण में प्रयोग होने वाले एंजाइम को सक्रिय बनाता है। कौन सा तत्व नाइट्रोजन स्थिरीकरण में प्रयोग होने वाले एंजाइम को सक्रिय बनाता है। जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट करो। पहला ऑप्शन है एमजी, दूसरा ऑप्शन है मोलिब्डेनम, तीसरा है जेडन, चौथा है सीयू। क्या आएगा इसका राइट आंसर, सभी कमेंट करो। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या, इसका राइट आंसर होगा क्या, सेकंड। क्या आएगा, मोलिब्डेनम। क्या आएगा इसका राइट आंसर, सेकंड, मोलिब्डेनम। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 है गंधक युक्त अमीनो अम्ल है। गंधक युक्त अमीनो अम्ल कौन सा है वो बताना है। सिस्टीन, एस्परजीन, ग्लूटामिक अम्ल या ट्रिप्टोफेन, कौन सा है वो बताना है, गंधक युक्त बताना है। तो दोस्तों इसका जल्दी से राइट आंसर कमेंट करो। तो गंधक युक्त कौन सा है, सिस्टीन। कौन सा है, सिस्टीन। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, स्पष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 है सूक्ष्म जीव जो एलेम्यूनिस पादप जैसे एलनस की जड़ों पर नाइट्रोजन स्त्रीकारक ग्रंथियों उत्पन्न करता है वो कौन सा है। राइजोबियम, एजोवेक्टर, रोडोस्पाइरम और फ्रेंकिया, कौन सा है। जल्दी से राइट आंसर कमेंट करो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 नंबरिंग में ध्यान मत देना, मैं आपको नंबरिंग बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 27 का जल्दी से राइट आंसर कमेंट करो। क्या आएगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर होगा क्या, फोर्थ। क्या आएगा इसका राइट आंसर, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 है निम्न में से कौन सा कैल्शियम का कार्य नहीं है। निम्न में से कौन सा क्या है, कैल्शियम का कार्य नहीं है वो बताना है। कोशिका भित्ति का संश्लेषण, समसूत्री तर्कु निर्माण, क्लोरोफिल निर्माण, कोशिका झिल्ली की सामान्य क्रिया। कौन सा कैल्शियम का कार्य नहीं है वो बताना है। जल्दी से राइट आंसर कमेंट करो दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। तो सभी इसका राइट आंसर कमेंट कर दीजिए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर को क्या, क्लोरोफिल का निर्माण करना, ये कैल्शियम का कार्य नहीं है। कैल्शियम क्लोरोफिल निर्माण कौन करता है, मैग्नीशियम। कौन करेगा, मैग्नीशियम। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, थर्ड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है अपना 29। क्वेश्चन नंबर 29 है मैग्नीशियम विषाक्तता के लक्षण वास्तव में किसकी कमी के लक्षण है। मैग्नीशियम विषाक्तता के लक्षण वास्तव में किसकी कमी के लक्षण है, ध्यान रखना दोस्तों, इंपोर्टेंट है, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 है ये। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 30। मैग्नीशियम विषाक्तता के लक्षण वास्तव में किसकी कमी के लक्षण है। लोहे, मैग्नीशियम या कैल्शियम या उपरोक्त सभी, क्या आएगा इसका राइट आंसर, सभी कमेंट करो। मैग्नीज विषाक्तता के लक्षण इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना दोस्तों, इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या आएगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या, उपरोक्त सभी। क्या आएगा इसका राइट आंसर, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 क्या है। क्वेश्चन नंबर 31 है निम्न में से कौन सा मृदा में मुक्त जीवी है परंतु सहजीवन में N2 नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर सकता है। इंपोर्टेंट है दोस्तों ये भी, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा मृदा में मुक्त जीवी है परंतु सहजीवन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर सकता है। राइजोबियम, प्रेंकिया या दोनों या एजोबैक्टर, क्या आएगा इसका राइट आंसर, जल्दी से सभी कमेंट करो, मैं देखना चाहता हूं इसका क्वेश्चन का राइट आंसर, कौन कौन राइट आंसर करते हैं, क्या आएगा इसका राइट आंसर, कौन सा आएगा इसका राइट आंसर, थर्ड, जो राइजोबियम और फ्रेंकिया है दोनों कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है तत्व जिनकी कम सांद्रता के कारण पुष्पन में देरी होती है, किसकी सांद्रता की कमी के कारण पुष्पन में देरी होती है, नाइट्रोजन, सल्फर, मोलिबेंडम या उपरोक्त सभी, क्या है इसका राइट आंसर, सभी एक बार जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट कर दीजिए दोस्त, सभी जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट करो। नाइट्रोजन, सल्फर, मोलिबेंडम, उपरोक्त सभी, क्या है इसका राइट आंसर, फोर्थ, क्या जाएगा इसका राइट आंसर, फोर्थ। दोस्तों अपने पास में आपको बता दूं लास्ट 1 मंथ बचा है, इसलिए सभी आरुचस और जो भी एम्स नर्सिंग की तैयारी कर रहा है वो सभी स्टूडेंट्स बहुत मेहनत करने की जरूरत है, सभी को कम से कम 6 से 7 घंटे के पढ़ने की आवश्यकता है, और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे हैं ताकि आप क्लासेस ले सके और प्रॉपर स्टडी कर सके। आपको लास्ट में मैराथन क्लासेस भी मिलेगी, उन मैराथन क्लासों से आपके सीधे डायरेक्ट क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है। क्वेश्चन नंबर 33 है निम्न में से किस समूह का संबंध लाभदायक तत्वों से है। क्या है इसका राइट आंसर, सभी कमेंट करो। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर कमेंट करो सभी। तो इसका राइट आंसर होगा क्या, थर्ड, NaSeSiCO, क्या आएगा, NaSeSi और CO। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है नाइट्रेट स्वांगीकरण निम्न में से है, NO3- का ऑक्सीकरण, NO3- का अपचयन, NH4 का अपचयन या NO3- से NO2- में ऑक्सीकरण, क्या आएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर कमेंट करो दोस्त सभी। क्वेश्चन नंबर 34, तो इसका राइट आंसर हुआ क्या, NO3- का क्या है, अपचयन, क्या आएगा इसका राइट आंसर, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है अनिवार्य तत्वों की कार्य आधारित श्रेणियों के संबंध संदर्भ में सत्य का मिलान करना है, यानी सत्य कथन चुनना है। पहला है संरचनात्मक तत्व कौन कौन से होते हैं, आपको पता होगा मैग्नीशियम, पोटेशियम और Fe, ये क्या है, संरचनात्मक तत्व है क्या, सत्य कथन चुनना है अपन को, तो क्या ये संरचनात्मक तत्व है, ये संरचनात्मक तत्व नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, दूसरा है ऊर्जा संबंधित तत्व, तो ऊर्जा संबंधित तत्व ये भी नहीं है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन,
ये भी ऊर्जा संबंधी तत्व नहीं है, तो ये भी नहीं आएगा। चौथा ऑप्शन दे रखा है एंजाइम सक्रियण तत्व, मोलिब्डेनम और मैग्नीशियम। ये सही है दोस्तों, मोलिब्डेनम और मैग्नीशियम एंजाइम सक्रियण तत्व है। चौथा ऑप्शन है प्रसरणीय नियंत्रण तत्व, ये नहीं है दोस्तों, प्रसरणीय तत्व नहीं है। तो पहला नहीं है, दूसरा नहीं है, तीसरा इसका राइट है और चौथा इसका गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, थर्ड। सत्य बताना है तो राइट आंसर क्या जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। निम्न में से कौन सा एवाईवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीव नहीं है, एजोबैक्टर, क्लोस्ट्रिडियम, रोडोस्पाइरम और रोडोसुडोमोनास। कौन सा नहीं है दोस्तों, जीव नहीं है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीव नहीं है वो बताना है। 11 का राइट आंसर बताइए दोस्त सभी, कौन सा एवाईवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं है, नहीं है बताना है दोस्तों, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा क्या, फर्स्ट। क्या है इसका राइट आंसर, फर्स्ट, एजोबैक्टर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इंपोर्टेंट है, मैं फिर बता रहा हूं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना, एजोबैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है, आयंस का निष्क्रियण अवशोषण प्राय किसके माध्यम से होता है। तो इसका ऑप्शन है पर्पस, फॉस्फोलिपिड्स, आयन चैनल्स, उपरोक्सवी। क्या है इसका राइट आंसर, सभी जल्दी से इसका कमेंट करो। निष्क्रिय अवशोषण प्राय किसके माध्यम से होता है, आयन चैनल्स के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है, आयन चैनल्स के माध्यम से होता है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, निम्न में से कौन सा खनिज तत्व समसूत्री तरकुंड का निर्माण व पुरानी पत्तियों में एकत्रण तथा कोशिका झिल्ली की सामान्य क्रियाओं में शामिल होता है। निम्न में से कौन सा खनिज तत्व, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व समसूत्री तरकुंड निर्माण तथा पुरानी पत्तियों में एकत्रण और कोशिका झिल्ली की सामान्य क्रियाओं में शामिल होता है। एफी, सल्फर, कैल्शियम और फास्फोरस। क्या है इसका राइट आंसर, सभी कमेंट करो। क्वेश्चन नंबर 38 का सभी राइट आंसर कमेंट कीजिए दोस्त, मैं देखना चाहता हूं कौन इसका जल्दी से राइट आंसर कमेंट कर देता है और सही राइट आंसर देता है। क्वेश्चन नंबर 38, तो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर वो क्या, कैल्शियम। क्या आएगा, कैल्शियम, ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, निम्न में से किस खनिज की ऑक्सीजन के निर्माण में आवश्यकता होती है। ऐसा क्वेश्चन अभी पहले भी किया था ऑक्सीजन वाला, तो क्या है इसका राइट आंसर, सभी कमेंट करो। ऑक्सीजन निर्माण के लिए कौन सा तत्व आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता होती है दोस्तों, ZN की, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जाएगा क्या, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, निम्न में से कौन सा खनिज तत्व कैल्शियम प्लस टू को ग्रहण तथा उपयोग करने में झिल्ली की कार्यशीलता और प्राग अंकुरण के लिए आवश्यक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा तत्व है, जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट करो। अपने पास टाइम बहुत कम बचा है, जल्दी से क्लास को समाप्त करनी है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट करो। क्वेश्चन नंबर 40 का क्या आएगा इसका राइट आंसर, बोरोन। क्या आएगा इसका राइट आंसर, बोरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 निम्न में से किसको छोड़कर अन्य सभी अनिवार्य पोषकों को खनिजों के रूप में अवशोषित किया जाता है। जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट करो दोस्तों, सभी जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 41 का क्या आएगा इसका राइट आंसर, फर्स्ट। क्या आएगा, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर, ठीक है दोस्तों, क्या आएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 है, उत्कों में किस खनिज आयन की वह सांद्रता जो उत्कों को शुष्क भार में 10% की कमी करे कहलाती है, क्या कहलाती है वो बताना है।
इम्पोर्टेंट है ये भी, उत्को में खिसकनी जांच की 10% शुष्क भाग में 10% कमी क्या कहलाती है, आवेश सांद्रता कहलाती है। क्या कहलाती है? आवेश सांद्रता। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 है, क्वेश्चन नंबर 43 है एंजाइम नाइट्रोजिनेज जिसमें नाइट्रोजन का अपचयन करने की क्षमता होती है उपस्थित होता है। इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। एंजाइम बताना है जो नाइट्रोजिनेज जिसमें नाइट्रोजन का अपचयन करने की क्षमता होती है उपस्थित होता है, केवल कुछ यूकेरियोट्स में, केवल प्रोकैरियोट्स में, केवल यूकेरियोट्स में, सभी जीव जगतों में, किसमें होता है? जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट करो दोस्तों, क्या है इसका राइट आंसर, सभी फटाफट इसका राइट आंसर कमेंट करो, अपने पास टाइम बहुत कम बचा है अपने पास, अभी 7 क्वेश्चन है, जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट करो, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं आपका। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या? सेकंड, केवल प्रोक्योर्स में होता है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है राइजोबियम किसकी जड़ों के साथ सहजीवी संबंध रखता है। बहुत ही क्वेश्चन है, राइजोबियम किसकी जड़ों के साथ सहजीवी संबंध रखता है वो बताना है। उद्यान मटर, एल्फा एल्फा या स्वीट क्लोवर, क्या आएगा इसका राइट आंसर? सभी। क्या है इसका राइट आंसर? सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 है अमीनो अम्लों से एमाइड्स बनते समय क्या होता है। अमीनो अम्ल से जो एमाइड्स बनते हैं उस समय क्या होता है वो बताना है। पहला ऑप्शन दे रखा है अम्ल का CWH भाग NH2 द्वारा प्रतिस्थापित होता है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है अम्ल का NH2 भाग CWH द्वारा प्रतिस्थापित होता है। तीसरा ऑप्शन दे रखा है अम्ल का OH भाग NH2 द्वारा प्रतिस्थापित होता है। चौथा ऑप्शन है अम्ल का NH2 भाग OH द्वारा प्रतिस्थापित होता है। तो क्या आएगा इसका राइट आंसर? सभी कमेंट करो। क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर कमेंट करो सभी। क्वेश्चन नंबर 45, तो इसका राइट आंसर होगा क्या? क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर होगा क्या? थर्ड। क्या आएगा? थर्ड, अम्ल का OH भाग किसको NH2 द्वारा क्या हो जाता है? प्रतिस्थापित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर है, क्वेश्चन नंबर 46 है खनिजों का अवशोषण क्या होता है वो बताना है। जल अवशोषण के साथ होता है तथा सामान्य निष्क्रिय होता है, जल अवशोषण के बिना होता है और सामान्यतः निष्क्रिय होता है, सामान्यतः सक्रिय होता है, हमेशा सक्रिय होता है। क्या आएगा? जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट करो। क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर होगा खनिजों का अवशोषण होता है वो सामान्यतः क्या होता है? सक्रिय होता है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर होगा क्या? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, जल्दी से अपन क्लास को खत्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर 47, मोलिबेंडम आवश्यक है। मोलिबेंडम किसके लिए है? इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोलिबेंडम आवश्यक है। जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट करो दोस्तों। साइनोबैक्टीरियम में रूबिस्को के लिए, नाइट्रोजिनेज एंजाइम के लिए, यूकेरियोट्स जीव में रूबिस्को के लिए, या ट्रांस एमिनेज की क्रिया के लिए किसके लिए आवश्यक होता है मोलिबेंडम? तो मोलिबेंडम आवश्यकता होता है दोस्तों नाइट्रोजिनेज एंजाइम के लिए। क्या आएगा इसका राइट आंसर? सेकंड। क्या आएगा? सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 है विनाइट्रीकरण या डी नाइट्रिफिकेशन किन जीवाणु द्वारा किया जाता है। इंपोर्टेंट दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चंस है आरवीएचएस इंटरस एग्जाम और एम्स के लिए कि विनाइट्रीकरण किन जीवाणु द्वारा किया जाता है। विनाइट्रीकरण किन जीवाणु द्वारा किया जाता है सभी जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट करो। मैं देखना चाहता हूं इसका राइट आंसर कौन देता है। जल्दी से सभी जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट करो। विनाइट्रीकरण, डी नाइट्रिफिकेशन किन जीवाणु द्वारा किया जाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या? एजो। क्या है इसका राइट आंसर? राइजोबियम फ्रेंकिया, एजो वेक्टर विजेरिंकिया, स्यूडोमोनास थायो बेसिलस, रोडोस पैलेरम या बेसिलस। क्या है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है क्या? थर्ड, स्यूडोमोनास और थायो बेसिलस। क्या आएगा? स्यूडोमोनास और थायो बेसिलस। ठीक है दोस्तों, क्या आएगा? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 49 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 क्या है? क्वेश्चन नंबर 49 है
क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से कौन सा मापदंड किस खनिज की अनिवार्यता के लिए आवश्यक नहीं है वो बताना है। जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट करो दोस्तों, अपनी क्लास बहुत लंबी हो चुकी है, 40 मिनट की क्लास हो चुकी है, जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट करो। क्वेश्चन नंबर 49 का, क्वेश्चन नंबर 49 का सभी जल्दी से राइट आंसर कमेंट करो दोस्तों। तो इसका राइट आंसर वो क्या क्या आएगा, इसका राइट आंसर सभी कमेंट करो, इसका राइट आंसर वो क्या, फोर्थ, क्या आएगा, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आज का क्लास की लास्ट क्वेश्चन है, आज की क्लास का क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नंबर की कौन सा 50 या 50 क्या है, एक स्तंभ दे रखा है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड दे रखा है आपको, जो आपके सामने है उसको क्या करना है, सही मिलाना है। मॉलिब्डेनम दे रखा है, जिंक दे रखा है, कैल्शियम दे रखा है और पोटेशियम दे रखा है। दूसरा स्तंभ दे रखा है उसमें दृक पोषक, सूक्ष्म पोषक, लेस मात्रिक तत्व या दृक पोषक दे रखा है। चौथा ऑप्शन थंब दे रखा है, तीसरा उसमें बता रखा है मध्य पटलिका, रंध्र गति, ऑक्सीजन और नाइट्रेट रिडक्टेज की कुंज, इसकी कार्य दे रखे हैं। पहले स्तंभ में तत्व बता रखे, दूसरे स्तंभ में उसके कौन सा तत्व बता रखा है और तीसरे स्तंभ में इसके कार्य बता रखे हैं। तो जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट करो दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूं इसके आंसर। तो सभी इसका राइट आंसर कमेंट करो, क्वेश्चन नंबर 50 का जल्दी से सभी राइट आंसर कमेंट करो दोस्तों, क्या आएगा इसका राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर कमेंट करो। तो क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर होगा दोस्तों क्या, थर्ड, क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर, थर्ड, क्या आएगा, थर्ड। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, 50 क्वेश्चन हो चुके हैं अपने, थोड़ी लंबी ज्यादा क्लास हो गई, कल से कम क्लास करने की कोशिश करेंगे, जल्दी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, और अगर अभी तक आपने क्लास एंड होने तक अगर आपने क्लास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना, ताकि जब भी नर्सिंग और पैरामेडिकल से जुड़ी कोई भी इंफॉर्मेशन आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।